इनको जो लाइसेंसी है उस लाइसेंसी को बताना पड़ेगा कि कितना स्टॉक है और स्टॉक के पेपर्स कैसे हैं। उसके लिए हम इनको समय देंगे, ना उनका स्टॉक रजिस्टर कंप्लीट है और ना ही जो स्टॉक अवेलेबल है। जब तक स्टॉक इनका मिलान नहीं हो जाता है, स्टॉक मेरी कोई अनियमितता पाई जाती है तो फिर लाइसेंस की शर्तों के उल्लंघन के संबंध में केस चलेगा कि वहाँ भी यदि इस तरह का कुछ कार्रवाइयाँ चल रही होंगी तो उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे जिन लोगों ने गलत तरीके से काम किया हो। हरदा हादसे के बाद जबलपुर जिला प्रशासन भी हरकत में आ गया है और अब कलेक्टर SP सहित तमाम जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वह फटाखा बाजार पहुंचे हैं। फटाखे बाजार में जो दुकानें हैं उनका वेरिफिकेशन कर रहे हैं, नियमों का अगर यहां पर उल्लंघन हो रहा है या नहीं हो रहा है इस बात की जाँच कर रहे हैं और जो स्टॉक मिलान है उसकी भी तैयारी लगातार कर रहे हैं। हमारे साथ देखिए, आप देख सकते हैं कि जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, जिले के मुखिया हैं, कलेक्टर, वह खुद यहाँ पर आए हैं और इस बार जो है एक एक दुकान का मिलान किया जा रहा है। लगभग 3 से 4 टीमें बनाई गई हैं जो लगातार फटाकों का वेरिफिकेशन कर रही है। सर ये बताइए, अभी आप लोग आए हैं, जांच कर रहे हैं, किस तरह के अभी तक आपने जांच में जो है मिला है? यहाँ पे जो मुझे सबसे बड़ी इररेगुलरिटी जिसको आप कह सकते हैं वो ये देखने को मिली है कि स्टॉक कितना है दुकान में, ये क्लियर नहीं हो रहा है। ना उनका स्टॉक रजिस्टर कंप्लीट है और ना ही जो स्टॉक अवेलेबल है वो कितना स्टॉक है उसकी हम जांच कर पा रहे हैं। तो ये एक बड़ी रेगुलरिटी लगभग सभी दुकानों में मुझे देखने को मिली है। सर आपने जो दुकानें हैं जब तक स्टॉक का मिलान नहीं हो जाता उनको सील करने के लिए भी कहा है? हाँ, मैंने कहा है, निर्देश दिए हैं। सर ये कब तक सील रही? जब तक स्टॉक इनका मिलान नहीं हो जाता है, स्टॉक मेरी कोई अनियमितता पाई जाती है तो फिर लाइसेंस की शर्तों के उल्लंघन के संबंध में केस चलेगा। सर ये कहा जा रहा है कि जो तय मानक है उससे ज़्यादा भी यहाँ पर इन्होंने स्टॉक करके रखा हुआ कुछ दुकानदारों, हो सकता है। मतलब यदि आपके पास स्टॉक के रिकॉर्ड आपके पास प्रॉपर नहीं है, मौके पर उसको जांचने का कोई सुविधा नहीं, तो इस तरह की आशंकाएं जन्म लेती हैं। इनको जो लाइसेंसी है उस लाइसेंसी को बताना पड़ेगा कि कितना स्टॉक है और स्टॉक के पेपर्स कैसे हैं। उसके लिए हम इनको समय देंगे जी। सर दूसरा ये कि जो रहवासी क्षेत्र हैं, गलगला बाजार है, गुरंजी बाजार, यहाँ पर भी लोगों ने स्टॉक करके रखा है, सर इसके लिए किस तरह की कार्रवाई? शिकायत हमारे पास आई है, इसके लिए हमने टीमें भेजी हैं वहाँ पर कि वहाँ भी यदि इस तरह का कुछ कार्रवाइयाँ चल रही होंगी तो उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे जिन लोगों ने गलत तरीके से काम किया होगा। देखिए, जिला प्रशासन ने उनका साफ तौर पर कहना है कि लगातार टीमें जो हैं फटाखा दुकानों गोदामों की जांच कर रही हैं। इसके लिए जो अलग अलग क्षेत्र हैं वहाँ के संबंधित तहसीलदार SDM को टीम को लीड करने कहा गया है और साथ में पुलिस के विभाग के लोग भी हैं और वह जो है फटाखा बाजार है या गोडाउन जो लोगों ने रहवासी इलाकों में बनाए उनकी जांच कर रहे हैं और अगर रहवासी इलाकों में फटाखों के गोदाम पाए जाते हैं तो ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी जिन लोगों ने रहवासी इलाकों में गोडाउन बनाया कर रखा होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो जबलपुर का मुख्य फटाखा बाजार है जो कठौना में लगता है, जैसे जिला प्रशासन ने भी अनुमति देकर रखी थी, इस फटाखा बाजार में जो स्टॉक मिलान है वह नहीं हो पाया है, तय मानक से ज़्यादा जो है कहीं फटाखे भी मिले हैं और यही वजह है कि जिला कलेक्टर ने जो है दीपक सक्सेना, उन्होंने इन दुकानों को सील करने के लिए आदेश दिए हैं। कैमरामैन सतीश सराटे के साथ अभिषेक शर्मा, IBC 24 जबलपुर।